हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। कॉमर्स की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, दैट व्हाट आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट आर डन बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिफरेंट बिजनेसेस, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम पूरा देखेंगे और आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन है उसे दबा देना है ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। अगर आपको नोट्स हमारे पास से चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको नोट जो है 40% डिस्काउंट पे मिल जाएंगी एंड देर आर अदर मोर बेनिफिट दैट यू विल गेट इफ यू विल टेक आवर मेंबरशिप ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आखिर होता क्या है, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती हैं बाय द डिफरेंट यू नो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस, है ना। सो अनफेयर, अनफेयर मतलब ऐसी चीज जो कि फेयर नहीं है। आप गलत तरीके से कोई ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि इलीगल है, अनएथिकल है, फिर भी आप उसको कर रहे हो, तो उसको अनफेयर हम बोलेंगे। और ट्रेड मतलब व्यापार, तो व्यापार में किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी, किसी भी तरह की अनफेयर अगर आप चीजें करते हो तो हम उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36A ऑफ MRTP एक्ट डिफाइंस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू मीन अ ट्रेड प्रैक्टिस व्हिच फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द सेल, जहां पे आप कोई ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आपका जो सेल है उसमें उसको प्रमोट किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। यूज ऑफ सप्लाई ऑफ एनी गुड, किसी यू नो किसी गुड्स के इस्तेमाल या फिर उसके सप्लाई ऑफ गुड्स को एक तरीके से बढ़ाने के लिए, है ना। फॉर द प्रोविजंस ऑफ एनी सर्विसेज अडॉप्टेड एनी अनफेयर मेथड और अनफेयर और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड देयर बाय कॉजेज अ लॉस और इंजरी टू द कंज्यूमर्स ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज वेदर बाय एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिशन और अदरवाइज। यहाँ जो बात भूली गई कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36A MRTP एक्ट, ये बताता है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब वो सारी प्रैक्टिसेस हो गई जिसके जरिए आप अपने सेल को बढ़ाने की कोशिश करते हो, अपने गुड्स एंड सप्लाई को एक तरीके से बढ़ाने की कोशिश करते हो, आप किसी भी तरह की सर्विसेज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो जिसको आप अनफेयर तरीके से लोगों को दे रहे हो, लोगों को सर्व कर रहे हो, जिसका असर जो है यू नो अदर बिजनेसेस पे या इवन इटसेल्फ जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी ये जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो वो सही नहीं है, उनको वहां से यू नो लॉसेस हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती हैं, जिसके कारण से ये जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहलाती हैं, है ना। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में काउंट करेंगे, तो देख लेते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट करा जो कि मिसलीड कर रहा है, सही जानकारी नहीं दे रहा है, एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस, दिस इंक्लूड, है ना। आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तभी कर सकते हो जब आप इस तरह की चीजें करो, आपने मिसलीड एडवर्टाइजमेंट, आपने ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया अपने बिजनेस के बारे में जो कि सही नहीं है, गलत जानकारियां लोगों को दे रहा है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो अपने डेटा का, अपने यू नो बिजनेसेस का, तो ये सारी यू नो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएंगी। अब आप किस तरीके से करोगे, किन किन चीजों को हम बोलेंगे कि ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट द गुड्स आर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वांटिटी गुड ग्रेड कॉम्पोजिशन स्टाइल और मॉडल, है ना। तो आपने सपोज आपके पास कोई गुड है जिसका आपने यू नो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी आपने दिखाई है वो गलत आपने शो करी है, आपने क्वांटिटी गलत बताई है, ग्रेड आपने गलत बताया, कॉम्पोजिशन आपने गलत बताया, है ना, आपने हर एक चीज जो है फॉल्स रिप्रेजेंट किया है। आपके प्रोडक्ट के बारे में हर एक जानकारी, चाहे उसकी क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, ग्रेड हो, कॉम्पोजिशन स्टाइल मॉडल, हर एक चीज आपने जो है गलत तरीके से रिप्रेजेंट की है, फॉल्सली रिप्रेजेंट की है, तो वो हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में काउंट किया जाएगा। Falsely representing that the services are of a particular standard, quality or grades. आपने falsely दिखाने की कोशिश की कि आप जो services provide कर रहे हो वो एक तरीके से एक particular standard का है या उसकी एक quality है, जबकि कोई quality नहीं है, उसको आप अच्छे grade में दिखाने की कोशिश कर रहे हो जबकि वो भी सही नहीं है। तो जब आप गलत जानकारियां देते हो लोगों को तो वो आपका unfair trade practices में count होता है। थर्ड पॉइंट है फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट द रीबिल्ड सेकेंड हैंड रिनोवेटेड रिकंडीशनड और ओल्ड गुड्स आर न्यू गुड्स। आपने गलत तरीके से लोगों को बताने की कोशिश की आपने ये प्रोडक्ट खुद से तैयार किया है, ये प्रोडक्ट सेकेंड हैंड को आपने नया बताने की कोशिश की, प्रोडक्ट को रिनोवेट करके बेचने की कोशिश को, प्रोडक्ट को रिकंडीशन करके बेचने की कोशिश की, जो पुराने गुड्स हैं उनको आपने नया गुड्स बता करके बेचने की कोशिश की, फॉल्सली आपने रिप्रेजेंट करा, तो उसको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में काउंट करेंगे। फोर्थ पॉइंट है
रिप्रेजेंटिंग दैट द गुड्स एंड सर्विसेज हैव स्पॉन्सरशिप, आप ये दिखाने की कोशिश करते हो कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज को एक तरह से स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, कोई कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है आपके गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, है ना, आपके परफॉर्मेंस, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके एक्सेसरीज, यूजर्स और बेनिफिट्स दे डोंट हैव। आपने ऐसी चीजें बताने की कोशिश करी जो कि आपके प्रोडक्ट में है ही नहीं, प्रोडक्ट अच्छी कैटेगरी का नहीं है, क्वालिटी का नहीं है, उसमें कोई एक्सेसरीज आप नहीं दे रहे हो, कोई बेनिफिट आप नहीं दे रहे हो, उसका कोई प्रोडक्ट कोई यूज नहीं है, बट आपने छोटी मोटी जानकारियां दे दी कि भाई इसके इतने सारे एक्सेसरीज हैं, इसकी ऐसी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके यू नो ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हैं, बट ऐसा एग्जिस्ट में कुछ एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो इसको हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हम बोलेंगे या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू नो जो भी प्रोडक्ट है वो बोलेंगे। Representing that the seller or the supplier has a sponsorship, approval or affiliation he doesn't have. आपने ये दिखाने की कोशिश की कि जो सेलर है, जो सप्लायर है, उसके पास जो है ना एक तरीके से आपका एफिलिएशन है, बट उनके पास एक्चुअल में एफिलिएशन नहीं है, है ना। तो इस तरह का कोई अगर आप जानकारी शेयर करते हो, बताते हो लोगों को कि अभी स्पॉन्सरशिप मिला हुआ है, अप्रूवल मिला हुआ है, जबकि एफिलिएशन मिला हुआ है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो एक तरीके से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, है ना। Making false or misleading representation concerning the need for or the usefulness of any goods or services. आपने गलत तरीके से लोगों को जानकारियां दी, लोगों को गलत चीजें रिप्रेजेंट करी, है ना, जिसका कोई यूजफुलनेस नहीं है आपके गुड्स एंड सर्विसेज की, जो भी चीजें आप कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपने लोगों को गलत जानकारियां यू नो एक तरीके से बांटी, तो वो एक तरीके का गलत चीज हो जाएगा, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की कैटेगरी में फॉल करेगा। सेवेंथ नंबर पॉइंट है मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन टू द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ वारंटी और गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस, एफिकेसी और लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पीरियड और ऑफ गुड्स दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द एडिक्वेट एंड प्रॉपर टेस्ट दैट आर द प्रूफ ऑफ द व्हिच लाइज अपॉन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन, है ना। शार्क टैंक में अभी एक बंदी आई थी जिसने कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 70-75% जो है वो ठीक तरीके से काम करता है, इसकी एक्यूरेसी लेवल इतनी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उन्होंने जो शार्क थे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने इसके इसके लिए अप्रूवल लिया है, क्या आपने इसको टेस्ट कराया है किसी स्टैंडर्ड एजेंसी से, क्या आपने इस चीज के लिए इसकी टेस्टिंग कराई है, तो उसने कहा कि नहीं। तो ये तो गलत बात हो जाती है ना, आप क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एक तरीके से कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना हो। तो वही बात यहाँ पे भूली जा रही है कि आप अगर क्लेम करते हो कि आप मैं आपको वारंटी दूंगा, गारंटी दूंगा, इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, इसकी जो लाइफ स्पैन है वो ऐसी है, 10 साल तक चल जाएगी वगैरह वगैरह, अगर आप ये सारी चीजें कहते हो और अगर आप इन सारी चीजों को फुलफिल नहीं करते, ये सारी डिटेल्स अगर यू नो गलत यू नो चीजों पर बेस्ड है, तो वो एक तरीके से सही नहीं होता, वो तरीका जो है सही नहीं होता। तो आप एक तरीके से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो अबाउट योर प्रोडक्ट कि आपके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस ऐसा है, उसकी एफिकेसी ऐसी है, उसका लाइफ स्पैन ऐसा है वगैरह वगैरह, है ना। तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में आएगा। मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन टू द पब्लिक इन फ्रंट ऑफ परपोर्ट्स टू बी वारंटी और गारंटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रॉमिस टू रिप्लेस, मेंटेन और रिपेयर और आर्टिकल और एनी पार्ट देयर ऑफ or to repeat continue a service until it is achieved a specific result, hai na, if such a form of purported warranty or guarantee promises is materially misleading or if there is no reasonable prospect that it will be carried out, है ना। तो सपोज आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बोला कि ठीक है यहाँ पे आपका प्रोडक्ट अगर खराब होगा तो मैं आपको बना करके दूंगा, मेंटेन करके दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट, रिपेयर करके दूंगा, बट आगे जाकर के पता चला कि उस प्रोडक्ट को वैसी किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, वो प्रोडक्ट में सपोज आपने बोल तो दिया या फिर आपने बाद में उस चीज को दिया ही नहीं, मतलब लोगों को वो फैसिलिटी आपने प्रोवाइड ही नहीं करी जिस चीज का आपने प्रॉमिस किया था, राइट। तो वो सारी की सारी चीजें जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएंगी, ठीक है। Making a materially misleading representation to the public concerning the price at which a product or like products or goods have been are ordinarily sold, है ना? आपने suppose लोगों को तरीके से गलत जानकारियां देकर के अपने product को sell करने की कोशिश करी, आपके product का price कुछ और है, आप किसी और price पे बेच रहे हो, है ना? तो इस तरह की चीजें अगर आप करते हो तो वो भी unfair trade practices की category में आएंगी, है ना? दसवां और आखिरी नंबर पॉइंट है मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, डिसअपीयरिंग, डिस्पार्जिंग ऑफ द गुड्स, सर्विसेज और ट्रेड ऑफ अनदर पर्सन, है ना। आप फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो फैक्ट्स का कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो वो असल में किसी और कंपनी का है, किसी और व्यक्ति का है, आप उसको अपना बता करके एक तरीके से बिजनेस कर रहे हो, है ना, आप अपना सर्विसेज बता करके उसका अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं ये भी एक तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में आती हैं। So these are the 10 unfair trade and practices के examples जो मैंने अभी आपको बताए हैं। I hope कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो please like, comment और share करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, bye bye, thank you।